मनीष सिसोदिया को भाजपा ऑफर दे रही है कि वो उसकी पार्टी में आ जाए तो सारे केस खत्म कर देंगे। आज मैं आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ ले। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉरपोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे, तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटरोगेशन हुई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए हैं। अब शिवेंद्र अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे भारतीय, और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। और आज हेमंत बिश्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिनके खिलाफ कैंपेन चलाया, उनको आपने पार्टी ज्वाइन कराई और अब वो आपके यहां मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय 2017 में, 3 नवंबर 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुकुल रॉय बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, शारदा चिट स्कैम और नड़ादा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया, इनके ऊपर मुकदमे किए गए, इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा नारायण राणे, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता नारायण राणे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, कैंपेन चलाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया, उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए।
इस तरीके के मेरे पास 3 दर्जन मामले हैं, क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो, जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब सुसाइड किया था तो इनके बारे में कई बातें लिख के वो मरे थे और इनके ऊपर कैंपेन चलाया, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। इसके अलावा दिल्ली में